गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बेंथम एंड हुकर एंड एंडलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था और एंडलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उनका कंपैरिजन करेंगे। तो बेंथम व हुकर तथा एंगलर व प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धतियों की तुलना यहाँ हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बेंथम एंड हुकर सिस्टम और दूसरा यहाँ दिया हुआ है एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम। तो इसमें बेंथम एंड हुकर सिस्टम के बारे में देखते हैं कि जो बेंथम और हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल सिस्टम था, प्राकृतिक वर्गीकरण था। जब हमने बेंथम और हुकर का सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि यह नेचुरल सिस्टम था, जबकि जो एंगलर और प्रेंटल का सिस्टम था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, जाति वृत्तीय पद्धति, जो कि प्लांट्स के इवोल्यूशन के आधार पर किया गया था। दूसरा यहाँ पर देखते हैं प्लांट्स के सभी कैरेक्टर एंड प्लांट की उनकी रिलेटेड एफिनिटी पर आधारित थे। बेंथम और हुकर में जो भी प्लांट एक दूसरे के पास रखे गए थे, जो उनकी एफिनिटी थी वो उनके कैरेक्टर के आधार पर देखी गई थी कि जो प्लांट के जो सिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट्स थे उनको एक साथ रखा गया। जबकि एंग्लो पेरेंटल में क्या था कि इस सिस्टम में प्लांट इवोल्यूशन और जेनेटिकल कैरेक्टर्स, आनुवंशिक लक्षण, फ्लावर फ्रूट एंड सीड की कॉम्प्लेक्सिटी पर आधारित। तो इसमें इन्होंने क्या किया, उसके जेनेटिकल कैरेक्टर्स भी देखे थे एंग्लो पेरेंटल में, इसके अलावा उसके जो सीड फ्रूट जो भी कैरेक्टर्स थे वो सारे देखे और उसके बाद प्लांट को एक फैमिली में रखा गया। नेक्स्ट था डी कैंडोले एंड डी जेस्यू के सिस्टम पर बेस्ड। जो बेंथम हुकर का सिस्टम था वो डी कैंडोले एंड डी जेस्यू के सिस्टम पर बेस्ड था, जबकि एंग्लो और प्रेंटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आइकलर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था। इसी तरह से बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जेनेरा प्लांटेरम में पब्लिश हुआ ईयर 1862 में, जबकि डी नेचुरलिकेन फ्लेंजन फैमिली में ये पब्लिश किया था। एंग्लो प्रेंटल ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें पब्लिश किया था डी नेचुरलिकेन फ्लेंजन फैमिली में, और यह ईयर 1887 टू 1915 तक पब्लिश हुआ था। लगभग 22 ईयर तक, यह भी लगभग 22-23 ईयर तक पब्लिश हुआ था। डाइकोट जो बेंथम इको सिस्टम था इसमें प्लांट्स को कैसे रखा गया, जो सीड प्लांट थे आवृत बीजी बीजीय पादपों को, सबसे पहले डाइकोट, फिर उसके बीच में जिम्नोस्पर्म रखे और लास्ट में मोनोकोट रखे। जबकि एंग्लो प्रेंटल सिस्टम में मोनोकोट के बाद डाइकोट प्लांट वर्णित हैं, कि इन्होंने मोनोकोट को पहले रखा और इस डायकोट को बाद में रखा। बेंथम हुकर ने लगभग 220 फैमिलीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। इसी तरह से डायकोट को इन्होंने बेंथम हुकर ने पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी तीन क्लास में डिवाइड किया, जबकि एंग्लर एंड प्रेंटल ने डायकोट को आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी दो क्लास में डिवाइड किया था। बेंथम हुकर सिस्टम प्रैक्टिकल वर्क के लिए यूजफुल होता है, जबकि जो एंग्लो और प्रेंटल का सिस्टम है वो इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इवोल्यूशन के आधार पर आधारित है। तो ये इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए यूजफुल है, जबकि प्रैक्टिकल वर्क के लिए बेंथम एंड हुकर सिस्टम यूजफुल होता है। डाइकॉट प्लांट बेंथम हुकर ने प्रिमिटिव बताया और मोनोकोट को एडवांस बताया था बेंथम एंड हुकर ने, जबकि एंग्लो प्रेंटल ने मोनोकोट को प्रिमिटिव बताया और डाइकोट प्लांट को एडवांस बताया था, जो इसकी सबसे बड़ी कमी भी थी। इसी तरह से जो बेंथम हुकर सिस्टम है इन्होंने क्या बताया कि जो फ्लावर कैलिक्स से एबसेंट होता है, कोरोला एबसेंट होता है जिनमें, वो फ्लावर एडवांस होते हैं, जबकि एंग्लो प्रेंटल ने क्या किया जो कैलिक्स एंड कोरोला एबसेंट होते हैं उनको प्रिमिटिव बताया, और यह भी इसके सिस्टम की कमी थी। थैंक यू।